गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ ऑल आर यू? ऑल आर फाइन, दैट्स गुड. नाउ सी द अनदर डेमो ऑफ एमएस पेंट. जस्ट डबल क्लिक ऑन द एमएस पेंट आइकन. एमएस पेंट आइकन पर आप डबल क्लिक कीजिए एंड इट विल गेट ओपन. Now the MS Paint window is open. There are so many tools, shapes, colors are shown here. And the bottom part is the drawing area. Bottom part ko hum drawing area kehte hain. And upper part is known as the ribbon. Upper part is called as ribbon. Today we will talk about these things. Just see the arrow of the mouse. This arrow is known as mouse pointer. Is arrow ko hum mouse pointer kehte hain. Whenever we move the pointer to any tool, it will show the name of that tool. जब भी हम माउस पॉइंटर को किसी टूल के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उसका नाम बताएगा. माउस पॉइंटर को किसी टूल के ऊपर रखने पर उसका नेम शो हो जाता है. नेम और फंक्शन शो हो जाता है. Draw a free form line with a selected line width. आप पेंसिल जिस तरह से अपनी कॉपी में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर माउस की पेंसिल भी, MS Paint की पेंसिल भी माउस की हेल्प से वर्क करती है. एंड दिस पोर्शन विल चेंज द साइज, थिकनेस ऑफ द पेंसिल और एनी शेप और टूल. साइज टूल की हेल्प से आप किसी की भी थिकनेस चेंज कर सकते हैं. क्लिक ऑन द पेंसिल टूल. नाउ सी द पेंसिल टूल इज शोन इन डार्क ब्लू कलर. पेंसिल टूल डार्क ब्लू कलर में शो हो रहा है. दैट मीन्स इट इज सेलेक्टेड. इससे पता चलता है कि पेंसिल टूल सेलेक्टेड है. एंड द माउस पॉइंटर विल चेंज इन पेंसिल शेप. और अब माउस पॉइंटर पेंसिल की शेप में चेंज हो गया है. जस्ट सी द पेंसिल, सी द drawing, whatever we are writing, it will show. जिस तरह से हम माउस पॉइंटर को मूव कराएंगे वैसे ही वो वर्क करेगा. क्लिक ऑन साइज टूल एंड सेलेक्ट द थिकनेस. साइज टूल पर क्लिक करके थिकनेस सेलेक्ट कीजिए और अब पेंसिल की थिकनेस चेंज हो गई है. Now, it is the eraser tool. Click on the eraser tool and it will help you to erase. How do we work with the help of computer mouse? हम माउस की हेल्प से किस तरह वर्क करते हैं? Just hold the mouse properly. Select the icon with a click. जब हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं तो वह सेलेक्ट हो जाता है. एंड देन इन द ड्रॉइंग एरिया जस्ट क्लिक द बटन एंड ड्रैग. बटन को क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग कीजिए एंड रिलीज. और बटन रिलीज करने पर यू कैन सी द वर्क ऑन द ड्रॉइंग एरिया.
और रिलीज करने पर, माउस बटन रिलीज करने पर आप देख सकते हैं कि आपने जो भी ड्रॉ किया होता है वो नजर आ जाता है। इन द सेम मैनर जस्ट क्लिक ऑन द इरेजर, इसी तरह इरेजर पर क्लिक कीजिए और माउस लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके ड्रैग द माउस, माउस को पीछे ड्रैग कीजिए, मूव कराइए मतलब, एंड इट विल इरेज। जस्ट रिलीज द बटन, माउस बटन रिलीज करने पर, छोड़ने पर वह वर्क नहीं करेगा। देर आर सो मैनी शेप्स एंड दिस इज द दीज आर द कलर बटन, कलर वन एंड कलर टू, एंड दिस इज कॉल्ड द कलर पैलेट। इस पोर्शन को हम कलर पैलेट कहते हैं। कलर वन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ अवर टूल्स और शेप्स, टू चेंज द कलर ऑफ अवर ड्रॉइंग, जिसकी हेल्प से हम ड्रॉइंग करते हैं, कलर वन से हम उसमें, हम उन कलर्स में चेंजेस लाते हैं। एंड कलर टू इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द इरेजर, और कलर टू इरेजर की कलर को चेंज कर देता है। चेंज कलर वन, सेलेक्ट एनी शेप एंड ड्रॉ इन द ड्रॉइंग एरिया, ड्रॉइंग एरिया पर ड्रॉ कीजिए। हाउ टू ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लिक द माउस पॉइंटर, ड्रैग इट एंड देन रिलीज, माउस पॉइंटर को रिलीज करने पर यह ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाती है। देर आर सम डॉटेड लाइन्स ओवर हियर, दैट मीन्स वी कैन मूव द शेप। डॉटेड लाइन्स मीन्स द शेप इज सेलेक्टेड, अभी तक शेप आपकी सेलेक्टेड है, आप इसे मूव करा सकते हैं। यू कैन चेंज द शेप, साइज ऑफ द शेप, एज द शेप इज सेलेक्टेड यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो, आप इसका शेप का कलर भी चेंज कर सकते। And you can draw another shape when you release the, when you click the mouse button outside. जब आप माउस बटन को बाहर क्लिक करेंगे तो शेप डीसेलेक्ट हो जाएगी, अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। If you will click over here again, it will draw another shape. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी शेप ड्रॉ कर देगा। It is the filled with color tool. It looks like a bucket. ये filled with color tool है जो कि bucket की तरह नजर आता है। Click over here and select any other color. When we move the mouse pointer, the shape will change in the bucket. Just click the mouse pointer. जैसे ही आप left mouse button को click करेंगे, it will fill the color. Change the color again and click the
माउस बटन अगेन। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरह से आपने माउस बटन का यूज करना है, हाउ टू यूज द माउस, हाउ टू यूज माउस इन एमएस पेंट। देर आर सो मैनी शेप्स, जस्ट ड्रॉ देम एंड फिल द कलर्स। अलग अलग तरह की शेप्स ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर कलर्स फिल कीजिए। These buttons will show some other shapes. These arrow buttons help you to show some other shapes. Is that clear? Let's make another drawing. Let's change the color first. Click the mouse button and drag accordingly. अपने according आप mouse button को drag कीजिए and release the button. और उसके बाद mouse button को छोड़ दीजिए. It is the simplest way to learn the practice of mouse. Mouse button को use करने की practice करने के लिए सबसे आसान तरीका है. Just select the color. And select the shape, fill with color option. And then fill it. Change the color and fill the green color. Our flower is complete. We draw the flower with the help of pencil. Pencil की help से हमने flower draw किया. And we fill the color with the help of fill with color tool. Fill with color tool की help से हमने इसमें color fill किया. अगर आप इस तरह से drawing बनाने की practice करोगे तो आप mouse hold करना सीख जाओगे. It was the reason I made the drawing and I show you the demo today. आपको demo show करने का मेन रीजन यही है कि आप प्रैक्टिकल्स के लिए प्रैक्टिस कर सकें, लैब एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए माउस को
होल्ड कर सके. जस्ट गिव सम टाइम एंड मेक ड्रॉइंग. ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर इफ़ यू हैव. अगर आप लोगों के पास घर में लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, तो आप घर पर इस तरह से ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस कीजिए.